हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ना वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो मैंने एक कुर्ती पहनी है, शॉर्ट कुर्ती। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ पांच ऐसी शॉर्ट कुर्तीज जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है, प्राइस भी अफोर्डेबल है। एंड बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज मैं सुबह के 6 बजे से वीडियो बना रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्टिंग में मैं दिखा रही हूँ ये व्हाइट वाली कुर्ती एक, तो इसमें मैंने सब कुछ लिख लिया है, ठीक है। तो इस कुर्ती का जो नाम है वो लखनऊ एम्ब्रॉयडर्ड रेयन सॉलिड कुर्ती, जो कि 299 रुपीस की है। एंड इसमें आप लोग देख रहे हो इस टाइप की जो लखनवी एम्ब्रॉयडरी होती है ना, ये हैंडमेडेड नहीं है, मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी है, तो वैसी है। बाकी ओवरऑल लुक भी अच्छा है, प्योर व्हाइट कलर है, तो यस व्हाइट कलर तो अच्छा ही रहता है, मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद है। एंड 299 में अच्छी है, मतलब नॉट बैड डील। चलते हैं सेकंड है ये पर्पल कलर की कुर्ती, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगी है। ये मैंने एक बार पहनी भी है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर है। एंड इसका जो प्राइस है पर्पल वाली, इसका जो प्राइस है वो है 305 रुपए, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा शॉर्ट है, लाइक जो व्हाइट वाली है वो नी से थोड़ा ऊपर है, ये उससे भी ज्यादा शॉर्ट है। एंड इसमें ना डिजाइन भी है, काफी प्यारा सा डिजाइन है, लुक एट दिस, ये डिजाइन है। एंड ये हैंड में भी डिजाइन है, तो एक बार मैं इसका पूरा लुक दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है, एंड फिर आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मेरे को पर्सनली कलर क्वालिटी सब कुछ अच्छा लगा है, एंड कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन मेरे को है ना ये प्राइस इसका थोड़ा ज्यादा लगा, 305, बिकॉज ज्यादा ही शॉर्ट है। क्योंकि लार्ज मैंने मंगाई थी, मैं हमेशा अपने साइज से एक साइज बड़ा मंगाती हूँ, लार्ज मंगाई, और लार्ज के अकॉर्डिंग इतना छोटा तो नहीं होना चाहिए था। तो एक बार आप लोग देख के मुझे जरूर बताना कैसा लग। थर्ड है ये वाली कुर्ती, ये मेरी फेवरेट है। एंड ये शायद 400 कुछ की है, और इसका ना कपड़ा भी क्रीम क्लॉथ में है, ठीक है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, लिटरली बहुत अच्छी है, और ये पहनने में भी बहुत सुंदर लगती है, लुक एट दिस, ठीक है। एंड कलर इसका बहुत ज्यादा रॉयल ब्लू कलर का है, काफी अच्छा है। एंड प्रिंट तो आप देख ही रहे हो, वो भी बहुत मस्त है। इसे पहन के ना थोड़े पतले भी लगते हैं, मुझे ऐसा लगा है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है ना यहाँ से अलग है और इधर अलग है, तो थोड़ा डिफरेंट वाइब देता है। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये ब्लू वाली कुर्ती, ये कुर्ती ठीक ठाक है, लाइक कॉटन में है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेरे को ओवरऑल कपड़ा वगैरह इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि पिक्चर में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बट मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगी, एंड इस वजह से मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आई है। लेकिन पहन के ठीक ठाक लग रही है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो ओवरऑल लुक ये है इसका, और इसका जो प्राइस था 286 था, आई गेस 286 या 264 में से कुछ था, तो ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है। मैं इसे दोबारा नहीं परचेज करने वाली, क्योंकि मैंने इसे पहन लिया तो अब रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो यस, अब चलते हैं दूसरे पे। एंड लास्ट वन इज दैट येलो वन, जो कि अभी मेरे हाथ में नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो मैंने धुलने के लिए डाली है। बट ओवरऑल लुक ना येलो वाली कुर्ती का बहुत अच्छा है, एंड पैकेजिंग वगैरह भी अच्छी आई थी, ठीक है। और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है ना, वो लखनवी टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, या फिर कश्मीर में जैसी एम्ब्रॉयडरी होती है वैसी है। कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, येल्लो है, बहुत अमेजिंग है। मेरी फेवरेट ना येलो एंड दिस वन, ये वाली है, तो ये दो मेरी फेवरेट कुर्तीज में से हैं, जो मेरे पर्सनली मुझे ज्यादा पसंद आई हैं। एंड आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय तो नहीं बोलूंगी अभी, बिकॉज थैंक यू सो मच। मेरे ना अभी एक वीडियो पे, लाइक रूम मेकओवर वाली वीडियो पे 50K हुए हैं, 50K प्लस व्यूज हो गए, तो वो आप लोगों की वजह से हुए हैं, थैंक यू सो मच। तो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वाली वीडियो चेकआउट कर लो। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, बाय।